प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं ऑफलाइन करवाने की तैयारी कर ली है। उससे पहले भी रादौर में अभिभावकों ने ये परीक्षाएं ऑनलाइन किए जाने की मांग की है। इसी संबंध में अभिभावकों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रात में कर्फ्यू लगा रही है, वहीं शिक्षा को लेकर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय निवासी संजीव कुमार व राज रानी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान संक्रमण से बचाव हेतु उनके बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, लेकिन अब लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं और शिक्षा विभाग बच्चों की ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है, जो कि सही नहीं है। उनके मांग है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होकर 17 मई तक आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राधौर क्षेत्र में कुल 6 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 5 सेंटर सरकारी संस्थाओं व 1 सेक्टर प्राइवेट शिक्षण संस्थान में बनाया गया है। परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 से संबंधित नियमों के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसका समय समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा। देश प्रदेश में जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो अब ऐसे में यह देखना होगा कि क्या शिक्षा विभाग अभिभावकों की मांग पर बोर्ड परीक्षाओं को ऑफलाइन से ऑनलाइन करवाता है या नहीं। इसको लेकर लोगों की विभाग पर विशेष नजर बनी हुई है। बोर्ड के एग्जाम्स अबकी बार सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम्स हमारे 20 तारीख से हैं, जो 17 मई तक चलेंगे, 20 अप्रैल से लेकर 17 मई तक, और उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी सेंटर सुप्रिटेंडेंट्स को हिदायत दे दी गई हैं कि बच्चे और स्टाफ पूरा कोविड-19 के जो भी गाइडलाइन सरकार ने दी हैं उन सबको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का यूज़ करें। तो ये सभी नियम सख्ती से फॉलो होंगे सभी सेंटर्स में, समय समय पर हम उनका निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा हमारे 5 सरकारी सेंटर बने हैं एग्जाम्स के, अलार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जटलाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चमरोड़ी, अंटावा, और एक हमारा प्राइवेट स्कूल भी बना है रादौर में, MLN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और जहाँ तक छात्र संख्या की बात है, तो छात्र संख्या हमारे 10th के अब की बार 812 बच्चे अपियर हो रहे हैं 10th क्लास के एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में, और 569 बच्चे 12th के एग्ज़ाम्स में अपियर हो रहे हैं। ये अल्टरनेट डेज पे एग्जाम्स होंगे मैट्रिक के और 12th के, और टाइमिंग एक ही रहेगा 11:30 to 2 PM। मांग हमारी आज ये कोरोना के चलते जो पेपर ऑनलाइन हुए हैं, सब बच्चों के 10वीं और 12वीं के बच्चों को पेपर भी ऑनलाइन होने चाहिए, क्योंकि अभी इनको बीएसवी तक दी जाए, 10वीं और 12वीं प्लस टू के बच्चों को किन के पेपर ऑनलाइन किए जाएँ, वो समझ दे रखो कोरोना के चलते, जब सब जगह नाइट कर्फ्यू लग रहा है, जैसे दिन में भी कर्फ्यू चल रहा है, इसकी वजह से इसमें ऊपर जैसे कि ये कोरोना काल बढ़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही जी, तो बच्चों की पेपर भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। कोरोना काल में बच्चे बाहर स्कूलों में पेपर देने जाएंगे तो बच्चों की जान को तो खतरा है इसमें, तो इसलिए बच्चों के पेपर भी ऑनलाइन ही होने चाहिए जी। जैसे कि पढ़ाई भी ऑनलाइन ही चल रही 2 साल से, 1 साल से पूरे पढ़ाई 10वीं 12वीं के बच्चे जैसे घर में बैठे ही पढ़ाई कर रहे, तो इसलिए पेपर ऑनलाइन ही होने चाहिए जी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।